हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इंडियन लोगों की हाइट कम रह जाने के कुछ रीजंस बताएंगे, क्यों इंडियन लोगों की हाइट और दूसरे लोगों की तुलना में कम रह जाती है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, लेकिन आपको पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वैसे तो हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ बेस्ट ही चाहती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती होंगी, लेकिन कभी भी जानकारी की कमी के कारण बच्चों की जिद के आगे अगर आप पोषण से समझौता कर रही हैं तो आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इंडियन लोगों में पोषण की बहुत ही ज्यादा कमी होती है और ये पोषण की कमी ही आपके बच्चे के कद को प्रभावित करती है। अच्छी हाइट ना अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है बल्कि अच्छी पर्सनालिटी को भी दर्शाती है। अगर हाइट अच्छी है तो पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। ऐसे में अगर पोषण की कमी की वजह से अगर आपके बच्चे की हाइट रुक जाए तो ये ऑब्वियसली चिंताजनक है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को दूध पिलाकर आप उसकी अच्छी हाइट और हड्डियां मजबूत कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। असल में भारत और आसपास के अन्य देश नेजर्स में सबसे छोटी हाइट वाले देशों में नंबर वन पे आता है। सिर्फ करके एक पत्रिका में दर में प्रकाशित एक पत्रिका में स्टडी के अनुसार विश्व भर में 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों की तुलना आपस में की गई 65 मिलियन बच्चों के डेटा और स्टडी से ये निष्कर्ष मिलता है कि भोजन के साथ साथ वातावरण भी आपकी लंबाई को प्रभावित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक का रिकॉर्ड डेटा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में टीनेजर्स बच्चों की औसत लंबाई 5 फीट 10 इंच थी। सबसे अधिक औसत लंबाई नीदरलैंड और मोंटेनेग्रो के बच्चों की थी, वहीं सबसे कम लंबाई भारत और बांग्लादेश के बच्चों की थी। आखिर आप जानना चाहेंगे ये वजह क्यों थी, क्यों भारत और बांग्लादेश में ही बच्चों की हाइट सबसे कम निकली। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बच्चों की औसत लंबाई 1985 के मुकाबले काफी हद तक घटी है। क्या है कारण भारतीय बच्चों में हाइट कम होने की, क्या वजह है जो भारतीय बच्चों की हाइट और कंट्री की तुलना में कम रह जाती है? चलो आपको बताते हैं। भारतीय और अन्य पड़ोसी देशों में औसत लंबाई कम हुई है और एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। पोषण जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है तो हाइट भी बढ़ती है। अधिकतर जो पेरेंट्स हैं वो दूध पर ही डिपेंड रहते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन के लिए आश्रित हैं। यही कारण है बच्चों में पोषण की कमी रह जाती है। गंदी हवा, प्रदूषित पानी और अशुद्ध भोजन भी बच्चों में हाइट की कमी का सबसे बड़ा कारण है। खेल कूद की कमी भी हड्डियों के विकास को अवरुद्ध करती है। अगर आपका बच्चा पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करता है तो भी लंबाई कम रह जाती है। जानिए अपने बच्चों को सही पोषण कैसे देना चाहिए और क्या देना चाहिए जिससे उनकी हाइट बढ़ती रहे। ये स्टडी आपके लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है, आपको अपने बच्चों के पोषण के लिए एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। बच्चों का कद ना रुके इसके लिए आपको ये कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। 5 साल की उम्र तक के बच्चे का बुनियादी विकास हो जाता है तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहिए। कैल्शियम की कमी सिर्फ दूध पे निर्भर रह के ही ना करें, दही, पनीर, पालक, फिश, सोयाबीन कैल्शियम के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन्हें अपने बच्चे की डाइट में आज से ही स्टार्ट कर दें। सिर्फ कैल्शियम का ही सेवन काफी नहीं है क्योंकि कैल्शियम को सोखने के लिए विटामिन डी भी जरूरी है। विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत धूप है। इसके अतिरिक्त अंडे भी भरपूर मात्रा में विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। हर उम्र के अनुसार अलग अलग स्तर की शारीरिक एक्टिविटीज होती है, जैसे 4 से 5 साल के बच्चे को भागने कूदने वाले खेल चाहिए, 8 से 10 साल के बच्चे को बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेल शुरू कर देने चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे बाहर जाके खेलती नहीं है और खेल नहीं पाते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा बाहर निकलकर खेले। बच्चों को फोन और लैपटॉप बिल्कुल भी ना दें। बच्चों को जंक फूड से तो बिल्कुल ही दूर रखें। ज्यादा से ज्यादा ताजे फल और सब्जियां खिलाएं। अगर आपने ये आज से ही स्टार्ट कर दिया है तो शायद आपके बच्चों की हाइट में जो ये सब आप आज से स्टार्ट कर देते हैं तो शायद आपके बच्चों की हाइट में जो प्रॉब्लम है, त्रुटियां पैदा हुई है, शायद वो खत्म हो जाए और डे बाय डे उनकी हाइट अच्छी बढ़ जाए। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।